सुना था पबजी में मेड़ा लगा है, इसलिए वहां बंदे पहुंच गए 10,000। जब पता चला तो जाकर उठाई गन और किल चोर ने चमकती पेटियों का लगा दिया बाजार। एक एक करके सबका मोरसा बना दिया, बिना खिलौने दिलाए चुन्नू मुन्नू को लोबी में पहुंचा दिया। बंदे यहां वहां घूमते रहे और गन ढूंढते रहे, इतने में हमने धुआं सा उठा दिया। रे भाई किल चोर कत्ती धुम्मा ठा दे धुम्मा। नफरत ना करके दूर दिल ते साथ निभाइयो। एक बात बोलूं तो कैसे हो मेरे पबजी वाले भाइयों, तो भाइयों थर्ड एनिवर्सरी के इस मोड में ना भाई यहाँ पर जो ये मेला लगा हुआ है, यहाँ पर सच बताऊ तो ना चमकती पेटियों का मेला लगता है। अब वैसे मैं इस वाले गेम प्ले में ना आपको ये वाला गेम प्ले नहीं दिखाने वाला। क्यों नहीं दिखाने वाला तो आपको पता चल जाएगा, वीडियो देखते देखते पता चल जाएगा भाई, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो मोड आया था ना भाई, मैंने खेला बहुत ज्यादा खेला और बहुत बार तो मेरी इसमें पेटी चमकी भाई। अब इस मोड में ना भाई सच बताऊ ना, मुझे वैसे तो मजा आया, बंदे बहुत ज्यादा आते हैं, फाइट लेने में बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन भाई सच बताऊ ना जो सेकंड एनिवर्सरी वाले मोड में मजा था ना भाई, वो मजा इसमें नहीं है। क्योंकि भाई इसमें ना लूट ज्यादा नहीं है, जितनी लूट पहले थी भाई उस मोड में बहुत ज्यादा लूट मिलती थी, उतरते ही ना भाई गन मिल जाती थी, लेकिन भाई यहाँ पर तो गन ही नहीं मिलती। और अगर किसी और को गन मिल जाए ना भाई तो बगा बगा कर मारता, और कभी कभी तो हमारी किस्मत ऐसी होती है कि अगले को तो ऑटो मिल जाती है और हमें भाई एस कैश मिलती है। तो मतलब मजा सा नहीं आ रहा था भाई मुझे इस मोड में बिल्कुल भी खेलते हुए, लेकिन भाई फिर भी मेरा एक गेम प्ले निकल गया था बहुत ज्यादा खतरनाक। और हुआ क्या भाई इसमें, वॉइस ग्लिच हो गया, मतलब वॉइस आगे पीछे हो गई। आप में से भाई बहुत सारे जो है समझ गए होंगे, इसलिए मैं आपको जो है इस मोड का गेम प्ले नहीं दिखाने वाला, और पता नहीं भाई आगे दिखाऊंगा भी या नहीं, क्योंकि इस वाले मोड में ना भाई मतलब वो मजा नहीं आ रहा। अगर आपको खेलना तो आप खेल सकते हो, वैसे भाई जाते ही आप टपकते हो इसमें, क्योंकि गन ही नहीं मिलती। अगर आपका लक अच्छा हो, आपको गन मिल गई तो भाई आप बचकर निकल जाओगे, नहीं तो आपकी ऐसी तैसी होगी भाई। और इसमें ना बहुत जगह ऐसी है जहाँ पर भाई ऐसा लगता है कि हम ऊपर चढ़ जाएंगे, लेकिन भाई ऊपर ही नहीं चढ़ा जाता, वहीं पर फिसलते रहते हो। और कुछ मतलब नीचे की तरफ अगर आप जाओगे ना तो आप वैसे ही टपक जाओगे भाई, बिल्कुल ओपन एरिया है, कहीं पर कुछ अच्छा सा कवर ही नहीं है। अगर आपने पिछले वाला मोड खेला होगा ना तो मैं भाई पक्का कह सकता हूँ कि आपको 99% जो है सेकंड एनिवर्सरी वाला मोड ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि वहाँ पर जो ऐसी जगह थी ना भाई वो इससे ज़्यादा मस्त थी, वहाँ पर अच्छा कवर मिलता था और अच्छी लूट भी मिलती थी। तो अब जो भी था भाई उस मोड में तो अच्छा मैच गया, लेकिन भाई वो इस ग्लिच होने की वजह से मैं आपको नहीं दिखा सकता। और वैसे ही भाई बस मतलब अभी तो मज़ा नहीं आया, आगे खेल लूँगा, अगर मज़ा आता तो ठीक है भाई दिखा दूंगा उसके भी गेम प्ले, नहीं तो आप ये देखो हम आए थे भाई मिलिट्री बेस में। अब यहाँ पर भाई सबसे पहले तो मुझे चटर मटर मिल गई और मैंने इस बंदे की चमका दी भाई पेटी। रोज कुछ नया करके बोटनी के दिल का दरवाजा खोलते हैं, दूसरों के नोके हुए बंदों को हम टपका देते हैं, इसलिए लोग हमें किल चोर बोलते हैं। अभी इस भाई साहब को पहले टपकाया, फिर जो इसने नोक किया था भाई उसको भी टपका के मैंने इसका किल चुरा लिया, तो बल्ले बल्ले हो गई थी भाई यहाँ पर। अब एक बंदे की मुझे आगे से आवाज आने लग रही थी और ये भाई साहब जो है नियत था भागने लग रहा था, तो इनको भी मारने में ना भाई अलग ही मजा आता है। और आप भाई मुझे बताना अगर आपने सेकंड एनिवर्सरी वाला मोड खेला था ना, आपको वो वाला ज़्यादा अच्छा लगा भाई या ये वाला। अब मैं अपनी बताऊँ तो भाई देखो मुझे सेकंड एनिवर्सरी वाला जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। वैसे हो सकता है क्या पता भाई कुछ दिन में यहाँ पर भी अच्छी लूट मिलने लग जाए। अब मैं आ गया था भाई इन बोटों की ऐसी तैसी करने, क्योंकि वहाँ पर मुझे जो है कुछ खास लूट नहीं मिली थी और सामने बंदे थे, तो यहीं से जो है मुझे लूट करनी थी। और इस बोट ने ना भाई इसको टपकाया था, तो मैं इसका तो किल चोरी नहीं कर पाया। अब इसको तो दिल चोर भाई जो है लूटने लग जाते और इसको मैं लूटूं, और अब यहाँ पर देखना भाई मैं बिल्कुल मरते मरते बचाऊ। और अब सामने आ गई भाई एक टीम जिन्होंने भाई मेरी हेल्थ की बिल्कुल ऐसी तैसी कर दी भाई, बिल्कुल लाल बना दिया। अब यहां पर मेरा बचना ना बिल्कुल इम्पॉसिबल था भाई, लेकिन अब ये देखो क्या होने वाला है यहां पर। और अब देखो भाई इतनी कम हेल्थ में मैंने इन तीनों की पेटियां चमका दी थी, लेकिन भाई यहाँ पर हमारे दिल चोर भाई पर कोई हाथ साफ कर गया। तो मेरे पास भाई ये दो चार बैंडेज वैंडेज थी भाई, मैं पहले यही लगाता हूँ, अब उस बंदे की भी ऐसी तैसी करेंगे। और आज ना भाई मिलिट्री बेस में ना हम एक नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं,
या फिर भाई पुराने वाले रिकॉर्ड को तोड़ने वाले या नहीं तोड़ने वाले वो देख लेना, लेकिन बहुत सारे किल करेंगे, बहुत सारे, मजा आ जाएगा, बिल्कुल 100-200 किलो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और अब इस चुन्नू मुन्नू की बुआ के लड़के की पेटी चमकाने के बाद भाई हमने अपने दिलचोर भाई की पेटी का तो बदला ले लिया था, लेकिन अब ये वाला मैच जो भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड हो गया था, और आज मिलिट्री बेस में ना बहुत सारे बंदे आए थे, तो यहाँ पर भी कुछ बंदों की फाइट होने लग रही थी। अब मैं सी बिल्डिंग में आया तो भाई आगे भी मुझे एक बंदे के मटकने की आवाज आने लग रही थी। अब ये देखो भाई, ये भाई साहब जो यहाँ पर टीपीपी लेकर शायद खड़ा हो गया था, और मैं यहाँ पर एक मोली करता हूँ जो कि शायद नीचे चली गई भाई, तो इससे इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा और भाई मेरा 50 रुपये का नुकसान हो गया। और अब ये है आम जिंदगी और ये है हराम जिंदगी। अब इसको लगा कि भाई मैं नीचे से आऊंगा, तो मैंने इसकी चमका दी भाई पेटी, लेकिन अभी बंदे यहाँ पर बहुत सारे थे। और इनको देखो भाई, ये बोट भी ना कभी कभी बहुत ज्यादा गलत टाइम पर आ जाते हैं। अभी ये थर्ड पार्टी करने आया था भाई, अब देखो इनको भी केडी बढ़ाने का जो है बहुत ज्यादा शौक चढ़ गया है, तो इसकी भी मैंने चमका दी पेटी। और यहाँ पर ना एक बार तो भाई सी बिल्डिंग में बिल्कुल फुटस्टेप ही फुटस्टेप आने लग गए थे, वैसे ही पागल हो गया था भाई मैं, लेकिन अब ये तो हो गए थे भाई खत्म। और आगे से जो है शायद इनका कोई और बंदा भी बचा था, तो ये भी भाई मुझे टपकाने के इरादे से आया था यहाँ पर। और इसके साथ देखो भाई क्या ही धोखा हो गया, अब ये गेट के पीछे खड़ा था भाई, और जब मैंने गेट को तोड़ा तो इसका थोबड़ा दिखा और मैंने इसको थोबड़ा दिखाई दे दिया। वैसे इसके साथ भाई बहुत ज़्यादा गलत हुआ, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। मेरी यहाँ पर पिंग ज़्यादा होने लग रही थी, और भाई मेरे साथ यही होता है कभी कभी जो है पिंग अप डाउन होती है, इसकी वजह से ही टपक जाता हूँ भाई बहुत बार। तो अब क्या करें भाई, ये मोबाइल डाटा वालों का दुख है, और ऊपर से भाई जियो। और अब ये दो चुन्नू मुन्नू भाई मुझे बहुत देर से परेशान करने लग रहे थे भाई, खिड़कियों में से झांकने लग रहे थे, तो थोबड़ा दिखाया और मैंने इनको भी भाई 151 रुपये थोबड़ा दिखाई दे दिया था। और आप ये मत बोलना कि भाई जियो है तो एयरटेल यूज कर लो, क्योंकि भाई मैं एयरटेल भी यूज करता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है दोनों में ऐसे ही पिंग चलती है। अब आगे आ गया था भाई इनका इलाज करने, पीछे तो देखो। अब नाम तो अच्छा था भाई इसका हिम्मत वाला, लेकिन लगता भाई चूरमा खा के कम आया ये, तो इसकी तो पेटी चमका दी थी। और ये एक बोटनी की बुआ का लड़का आया था भाई, इसको भी टपका दिया। अब इनके पास भाई मुझे मिल गया था लाल घोड़ा, और लूट भी बहुत ज्यादा मस्त थी। कहाँ तो भाई इस मैच में हम टपकने वाले थे, और कहाँ भाई अब 16 किल हो गए थे। वैसे मेरे हाईएस्ट जो है भाई 17 किल है मिलिट्री बेस में शायद। ओ बेटे मौज कर दी भाई किलचोर मौज, अगर रिकॉर्ड तोड़ना है तो और बंदों को खोज। और पहले तो मैं सोच रहा था कि भाई खेलने दो इस बोट को यहीं पर, क्यों टपकाया। फिर जब मैंने देखा कि भाई 16 किल हो गए, तो सोचा क्या पता भाई आज 18-19 के लिए यहाँ पर हो ही जाए, तो मैंने उसको टपका दिया। और हमारे प्राइवेट ड्रॉप में भाई आज मुझे ना बहुत कुछ मिल गया, तो बल्ले बल्ले हो गई। और आज सोचा कि भाई आज ओम भी उठा लेते, क्योंकि 5 ही बंदे बचे थे, तो ओम और M249 उठाकर भाई मैं आ गया यहाँ पर। अब अभी तक जो है एक भी बंदा नहीं टपका था, और ये मैच जो था भाई बहुत ही ज्यादा मस्त जा रहा था, तो मैं यहाँ पर आकर बैठ जाता हूँ। और आगे जो है मुझे बंदे दिखे, और अब यहाँ पर भाई कड़ाई आ गई थी मेरी नहीं भाई इन बंदों की, तो मैं यहाँ पर एक नेड फेंक के भाई यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि इन बंदों को मेरी लोकेशन का पता था। और जब भाई 4 बंदे आ जाए
तो आप भाई उसी लोकेशन पे मत रहा करो, अपनी लोकेशन जो है बार बार चेंज करते रहा करो, जिससे भाई आप एक एक करके सभी बंदों की ऐसी तैसी कर पाओ। तो ये देखो भाई दो चुन्नू मुन्नू आने लग रहे हैं, तो इनको मैं अभी नहीं टपकाऊंगा, पहले इसको जो है बिल्कुल ओपन में आने देते हैं। और अब इसके तो निकल गए भाई प्राण, और नाम देखो भाई साहब का। और अब यहां पर भाई मैंने एक बंदे को और नॉक कर दिया, और इसकी भी भाई पेटी चमक गई भाई मोली से ही, तो ये भी टपक गया था दो बंदों की, तो भाई मैंने ऐसी तैसी कर दी थी। अब एक बंदा जो है पीछे था, अब ये गिली सूट वाला भैया जो है इस तरह से गुस्से में हो गया था भाई, जैसे मैंने इसकी गर्लफ्रेंड को टपका दिया हो, तो मैं यहां से निकल जाता हूं भाई, क्योंकि अगर हम किसी की गर्लफ्रेंड को पबजी में टपका देना तो उससे बच के रहा करो भाई, बहुत खतरनाक हो जाते हुए। अब दो बंदों की तो ऐसी तैसी कर दी थी, और ये पूरी की पूरी टीम थी भाई, तो दो बंदे जो है नीचे आ गए थे, तो मैं ऊपर से कूद के आ गया भाई यहां पर। अब ये चुन्नू भाई साहब जो है लास्ट बंदा बचा था भाई इस टीम का, और ये घायल शेर की तरह जो है धाड़ने लग रहा था मेरे ऊपर, तो इसको आराम से टपकाएंगे भाई। पहले हेल्थ कर लेते हैं, क्या पता भाई इस बंदे की पूरी हेल्थ हो रही है मेरी ऐसी तैसी कर दे, तो मैं पहले हेल्थ करके भाई कुछ देर जो है यहाँ पर वेट करता हूँ। और अब ये बंदा ऊपर चला गया था और भाई मैं नीचे था, तो भाई यहां पर जो मैंने मौके पे चौका मार दिया था। वैसे तो इस बंदे को टपकाने के लिए भाई मैं पहले भी आ सकता था, लेकिन भाई मुझे जो है सही मौके का इंतजार था, और जब इन बंदों की भाई फाइट हुई ना, तो इसको जो बहुत ज्यादा डैमेज मिल गया था, और ये हेल्थ लगाने लग गया, तो मैंने ऊपर आकर भाई इसकी पेटी चमका दी। अब एक बंदा जो है सामने था, तो मैं यहां पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन भाई मुझे पीछे से आवाज आई। तो ये देखो भाई ये बंदा जो है बहुत ज्यादा चालू था भाई, ये इतना ज्यादा घूमकर आ गया भाई, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये बंदा इस साइड आ जाएगा, तो मेरे पास नेड नहीं था, मैं इस बंदे को लूटता, और इसके पास भाई मुझे नेड तो मिल गए, लेकिन अब यहां पर ना मेरे साथ गलत सीन होने वाला है। तो ये देखो भाई बहुत ज्यादा गलत टाइम पर मेरी पिंग हाई हो गई, तो मैं पहले पीछे जाता हूं, क्योंकि अभी तो मैं फाइट नहीं ले पाऊंगा। और मेरी ना कभी कभी भाई जब पिंग हाई होती है ना, तो कुछ देर के लिए होती है, तो मैं यहां पर आकर भाई पहले वेट करता हूं, लेकिन आज मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी भाई। अब मैं यहां पर छिपा हुआ था भाई, इससे बच रहा था ताकि ये रस ना करे, क्योंकि भाई मेरी जो है पिंग हाई थी, अगर ये मेरे पर पुश कर देता ना तो मेरे प्राण निकल जाते भाई, इसलिए मैं यहां पर थोड़ा सा वेट करता हूं। और अब ये बंदा आने लग रहा था, क्योंकि भाई सर्कल बहुत ज्यादा छोटा बन गया था, तो मैं एक नेड कुक करके फेंकता हूं भाई। अब ये बच गया, इसको शायद डैमेज मिला होगा इससे। और अब ये देखो भाई तो यहाँ पर भाई मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी, अगर आपने बिल्कुल ध्यान से देखा हो ना, तो एक बार तो मेरी पिंग बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन जब मैं फायर करने लग गया ना, तो भाई उसी टाइम मेरी पिंग हाई हो गई, और मैंने इस बंदे को भाई इतना ज्यादा डैमेज दिया, लेकिन उसके बाद भी भाई मैं टपक गया। तो कभी कभी भाई ऐसी किस्मत खराब होती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, किलचोर एनर्जी ड्रिंक पी के मेंढक डांस करो एंगल में, करेंगे भाई कभी मेंढक डांस भी जरूर करेंगे। वैसे आज किस गेम प्लेडो में भाई इतना ही था, उम्मीद है आपको आज किस गेम प्लेडो में 800-900 किलो मजा आ गया होगा। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो, तो अपने हाथों को मत रोको, लाइक और सब्सक्राइब के बटन को ठोको, और अपने दोस्तों को भी बता दियो भाई, तभी तो किलचोर मचाएगा तबाही।